चलिए दोस्तों नमस्कार सत श्रीकाल एक बार फिर स्वागत है नए ब्लॉग में। आज हम चलने वाले हैं राजस्थान और बात करते हैं कहाँ कैसा एरिया आपको और वहाँ गांव कैसे थोड़ा वहाँ दिखाएंगे आपको। ये हमारे साढ़ू भाई हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। ये हमारी फौज पीछे बैठी है सारी चलने के लिए तैयार राजस्थान टूर पे। ये हमारी मम्मी जी हैं। भाई अभी हम खड़े दिल्ली रोड पे, दिल्ली अलवर रोड है ये, ये सामने दिल्ली को जाता रास्ता और ये अलवर को जाता है और यहीं फिरोज में पड़ता है फिरोजपुर जिरका और यहाँ पे मिष्ठान की दुकान बहुत बढ़िया है, चावला और मिष्ठान भंडार। तो देखते हैं, बर्फ़ी और कलाकंद की बहुत मशहूर है तो हम अभी अंदर जा रहे हैं, लेते हैं यहीं से जाके। खड़े यहाँ पर फिरोजपुर जिरका में और यहीं पर आप चावला मिष्ठान भंडार है और इसकी ज़रा देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, पहले तो सबको दिखाते हैं। और मुझे भी कई सालों निकलते हो लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं था कि ये दुकान है और साढ़ू साहब हमारे इन्होंने बताया कि ये चावला की दुकान है, बहुत बढ़िया दुकान है यहाँ पर। तो आप यहाँ भी जब भी निकले यहाँ से मिठाई वगैरह लेके जरूर जाएँ यहाँ पर, क्योंकि इनकी टेस्टी है, बहुत अच्छी टेस्टी है इनका कलाकंद का जो मिठाइयाँ। और क्योंकि ये पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा यहाँ पर, ये भी समोसे वगैरह सभी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो नाश्ता वगैरह आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर सकते हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ खाने का पीछे होटल है, वहाँ भी खा सकते हैं। और भाई साहब कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ पर? 1950 की दुकान है। देखिए जी 1950 की दुकान है और फ्लैट जो है हमारा भी 4 साल हुआ। अच्छा, पुरानी दुकान अंदर जो है 1950 पूरे अंदर थी सिटी में। अच्छा चलो, ये भाई साहब हैं, क्या नाम है जी आपका? ये पंकज जी हैं। चलिए चलिए मेहमान चलिए सारे। चलो पहुंच गए भाड़े। भाई सामने जयपुर रास्ता निकल जाता है, ये वाला, ये सामने जयपुर रास्ता जाता है और ये जाता है सीधी साइड झील जो है बनी हुई यहाँ पर। अभी आपको दिखाते हैं झील, बहुत बढ़िया झील है। भाई यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है और टिकट 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। देखिए हम भी चार बंदे थे, चारों बंदे लिए टिकट और ये गेट पास हो गया हमारे एक तरह का। चलिए भाई हम ऊपर पहुंच गए यहाँ पर, ये जो रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, और दिखाते हैं आपको यहाँ की लेक जो है तकरीबन क्या मस्त लग रहा है सीन। वाओ क्या चीज़ें हैं, देखिए कितनी विशाल झील यहाँ पर। और दोस्तों आप आए यहाँ पर अलवर साइड तो आप यहाँ पे आना होना भूलें क्योंकि ये झील बहुत ही अच्छी है और देखने में मज़ा आ रहा है और जब मौसम सुहाना हो तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, यहाँ पर बोटिंग देखिए आप, बोटिंग हो रहा है सामने और जो स्पीड बोट होती है उसका प्राइस करीब 2000 रुपये है और 10 मिनट में पूरे घुमा देगा, पूरी झील के चक्कर लगा देगा राउंड। और एक 1200 रुपये है वो जो स्लो चल रही है, जैसे वो झील दिखाई दे रही है आप, वो झील में बोटिंग इस टाइप की होगी, थोड़ी स्लो चलती है, वो भी पूरा घुमाएगी 1200 रुपये में और 800 रुपये में होगी बिल्कुल, जैसे ये दो बंदे बैठेंगे उसमें और उस वही लेके जाएंगे साथ में। सब देखिए होटल साथ में। भाई अभी टिकट के साथ जो आप चाहे तो एक ड्रिंक ले सकते हैं या पेप्सी ले सकते हैं या कोई भी इसमें से, या कॉफ़ी ले सकते हैं या पानी की बोतल ले सकते हैं एक टिकट पर। जो पीछे 100 रुपये की टिकट हमने गेट पे ली थी तो उसका ये होटल में से इसमें आपको टिकट के साथ फ्री मिलता है एक चीज़। भाई अब हमारे में डिसाइड हुआ है कि हम बोटिंग करेंगे अभी जाकर और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग की
देखिए वो पूरा घुमाएंगे इसमें बोटिंग में भी आपको, पूरा देखिए आप ये पूरा स्टंट वगैरह बना हुआ सारा राजस्थान सरकार की तरफ से। चलो भाई आगे एक्सपीरियंस पूछेंगे सबका, इनका कैसे लगा, क्या चलते आगे चलते हैं। स्पीड बोट की टिकट ली हमने, ये 2000 रुपये की टिकट है ये, जिसमें हम चारों जाएंगे अभी, पाँच होते पाँच भी चले जाते, और ये दिशा निर्देश दिए गए कुछ, ये देखिए आप। तो दोस्तों चलते हैं झील में, तो दिखाते हैं आगे, और बंदर भी है काफ़ी भाई, ये देखिए ये बंदर काफ़ी घूम रहे देखिए। तो भाई अब हम चल गए, चल दिए यहाँ से सभी, और कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस अभी है। अभी लगे और देखो मौसम भी अपने आप बदल गया है, अभी गर्मी थी बहुत ज़्यादा और अब गर्मी, अरे यहाँ से देखने नहीं, ये देखिए बोटिंग, ये आगे पूरा ये होटल, और हम आगे जाएंगे अभी, अभी अभी तो बैक गियर था, बाकी गियर लगा दिया भाई साहब ने, तो मुझे यार यहाँ बैठना पड़ेगा फिर तो दिखाने के लिए। भाई ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, सामने लोग यहाँ काफी लोग रहते हैं आसपास। ये सामने वो रेस्टोरेंट जहाँ अभी ऊपर थे, लगे हैं पूरे लेक का चक्कर लगाने में, तो पूरा चक्कर लग गया है, तो हम अभी 10 मिनट में पूरा घूम लिया। मछलियाँ बहुत ही, ये पानी गंदा हो रहा है, मछलियाँ नहीं मर रही है इसमें,
मछलियाँ कैसे मरी? मछलियाँ जो मरी कैसे मरी है? तो भाई जब मैं थाईलैंड गया था तब तो काफी बड़ा वहाँ पर शिप था जिसमें गए थे घूमने के लिए पूरे फिफी आइसलैंड में, और अब आज ये बहुत अच्छी झील है। आप देखिए यहाँ पर पूरा नज़ारा इसका झील का, बहुत अच्छा पानी फान मार रहा है। ये देखिए कई लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, और आपका अगर टाइम मिले तो ये कम से कम 12 किलोमीटर है अलवर से आगे, तो आप क्वेश्चन डालेंगे तो इसका सिली सेट का झील है ये, तो जरूर आप आएँ और यहाँ का नज़ारा लें। तो इसके साथ दोस्तों चलते वापस, यहाँ पूरा घूमिए इसमें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको दिखाता रहूँगा अलग अलग इलाके। यहाँ भी आगे राजस्थान में इस का पड़ता है, वहाँ भी जाएंगे किस टाइम टाइम निकाल कर। आज फिलहाल इसके लिए देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। चलो भाई, अच्छा अब मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा एक्सपीरियंस हमारा? बहुत अच्छा लगा, बड़ी तेज नाव चली। पहली बार जिंदगी में पहली बार बैठे हमारे साधु साहब, ये भी जिंदगी पहली बार बैठे आप मैडम, दूसरी बार। और भाई मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो कह मुझे याद भी नहीं कितनी बार घुमाऊँ मैं, कभी गोवा में, कभी थाईलैंड में, कभी गंगा में, कभी यमुना में, और यहाँ भी दो तीन बार आ गया हूँ, तो ऐसी बार घुमा देंगे आपको, ठीक है ना? मंडली हमारे साथ। तो भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, तो देखने आया हूँ यहाँ पर और आपको दिखाने आया हूँ। पीछे देखो सीनरी पोस्टिंग चीज़ बना रखी है, सीनरी देखने के लिए यहाँ पर, और ये बैठने के लिए व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। और भाई हवा इतनी बढ़िया चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और बादल हैं, थोड़ी बारिश भी हुई हल्की सी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, भाई मज़ा आ गया कसम से यार। और जिन्होंने मेरे फिर दोबारा कहा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें साथ साथ। इस तरह को बना रखा है कि इसको हम खोलते हैं तो एक ही बंदा इसके अंदर जाएगा, वो गेट यहाँ आकर टच हो जाएगा, और घुसेगा तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए एक बंदा घुसेगा, ये देखिए यहाँ से ये गेट बंद हो जाता है। भाई झील से बाहर अगर यहाँ पे आए हो ना आप, तो यहाँ पे खाने पीने के भी बाहर दुकानें हैं, यहाँ पर आप यहाँ से भी खा सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, मैगी ले सकते हैं खाने के पीने के लिए, अंदर भी वो सब चीज़ है, बैठने की व्यवस्था यहाँ बना रखी है, बिल्कुल गेट पे ही है, गेट से निकलते ही बाहर उस तरह की मार्केट है थोड़ी सी यहाँ पर, और काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं बहुत सारे घूमने के लिए। तो फाइनल दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया टूर रहा हमारा राजस्थान का। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, नमस्कार, श्री अकाल।